दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कतर और कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग फीफा वर्ल्ड कप पर नज़र बनाए रखे हुए हैं तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो इस बच्चे को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के थ्रू बार बार ये बच्चा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ ही जाता होगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वही खास कारी है कि जिसके जरिए से कतर की हुकूमत ने फीफा की ओपनिंग में कुरान की तिलावत करवाई थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार यानी मॉर्गन फ्रीमैन के, जिसको कतर हुकूमत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, उनकी बहुत सारी वीडियोस अब इस बच्चे के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि मॉर्गन फ्रीमैन की तरफ से इस खास कारी से कुछ सवालात किए गए, जिसके जवाब में सबसे पहले तो इस कारी ने बड़ी ही खूबसूरत आवाज में कुरान की एक आयत पढ़ी और उसके बाद उसी आयत के एक्सप्लेनेशन से उसका जवाब दिया। इन दोनों के बीच का ये डिस्कशन बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस डिस्कशन को पहले ही देख चुके होंगे, मगर उन सारी वायरल वीडियोस को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से इसकी बॉडी का आधा पार्ट मौजूद ही नहीं है, और इस बच्चे में ऐसी कौन सी काबिलियत मौजूद है और ऐसी कौन सी खासियत मौजूद है कि जिसकी वजह से कतर हुकूमत की तरफ से फीफा जैसे बड़े इवेंट की ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बच्चे को दी गई थी और इस बच्चे से ही कुरान की न सिर्फ तिलावत करवाई गई थी बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस खास इंसान का नाम है गानिम अल मिफ्ताह। ये कतर ही के रहने वाले हैं और इनका जन्म कतर ही में 5 मई 2002 में हुआ था, यानी इस वक्त इनकी उम्र लगभग 20 साल के करीब हो चुकी है। इनका एक जुड़वा भाई भी है और इसके अलावा ये बचपन से ही एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे कि जिस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता है। यही वजह है कि शुरू में ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसी कंडीशन में एक इंसान का सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। मगर दोस्तों वो कहावत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको भला कौन चखे, और यही बिल्कुल गानिम के केस में हुआ। गानिम ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो न सिर्फ इस बीमारी से लड़ाई करता रहा बल्कि हमेशा जिंदा रहने में कामयाब रहा। और गानिम की इस जीत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया बल्कि उन कुछ खास लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी जगा दी कि जो लोग गानिम जैसी बीमारियों का ही शिकार हैं। शुरू शुरू में जब गानिम के माँ बाप ने इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहा था तो ज्यादातर स्कूलों ने तो इसको लेने से ही मना कर दिया था, और आखिर में जिस स्कूल में गानिम एडमिशन लेने में कामयाब हो भी गया था तो वहाँ पर ज्यादातर बच्चे गानिम के अपाइज होने की वजह से उसके साथ रहने और उसके साथ खेलने से परहेज किया करते थे। गानिम आज भी अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह अपने माँ बाप को बताता है, क्योंकि गानिम के मुताबिक उसके माँ बाप ने उसके अपाइज होने के बावजूद भी उसकी पॉजिटिव तरीके से परवरिश की। ऐसे माहौल में कि जब दुनिया वाले उसको देखकर अलग हट जाते थे, उससे बचने की कोशिश करते थे, तो ऐसे माहौल में भी उसके माँ बाप ने बड़ी ही अच्छी तरीके से न सिर्फ उसकी परवरिश की बल्कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। फिलहाल गानिम का इलाज तो आज भी चलता रहता है, मगर हाँ अब वो एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मगर सवाल तो अब भी यही है कि आखिर ये इतने ज्यादा मशहूर कैसे हो गए और कतर के लोग इनको इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज का जवाब आप लोगों को सही तौर पर इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को देखकर मिल सकता है, क्योंकि खास बात यह है कि गानिम भले ही अपनी आधी बॉडी ना रखते हों, इनके सिर्फ हाथ ही मौजूद हों और पैर मौजूद ना हो, मगर उसके बावजूद भी ये वो काम कर सकते हैं कि जो शायद हम में से कोई इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। पहली चीज तो ये है कि इस वक्त ये कतर के सबसे कम उम्र के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और यकीनन ये एक हैरानी की बात है। इसके अलावा वर्कआउट एक्टिविटीज में से भी शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि जो गानिम ना कर सकें। स्विमिंग ये भी अच्छी तरीके से करते हैं, पहाड़ों पर ये चढ़ जाते हैं, कार ड्राइव ये कर लेते हैं, रनिंग ये कर लेते हैं, फुटबॉल ये खेल लेते हैं, और इसके अलावा भी न जाने ये क्या क्या करते रहते हैं, और इन सारी चीजों की वीडियोस बकायदा आप लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिल भी जाएंगी। बात करें अगर बिजनेस के बारे में, तो गानिम ने आइसक्रीम की एक बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी है, एक ऐसी कंपनी की जिसकी 6 से ज्यादा ब्रांचेस खुल चुकी है और इसके अलावा उसमें 60 से 70 लोग नौकरी करते हैं। इतना ही नहीं, गानिम का अब ये सपना है कि वो अपने बिजनेस को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाएगा और अपनी इस कंपनी को गल्फ के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलाएगा। गानिम ने अपनी फैमिली की मदद से अल गानिम फाउंडेशन नाम की एक ऐसी तंजीम यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में अपाहिज लोगों को व्हील चेयर मुहैया कराए, यानी दुनिया में
जितने भी अपाहिज लोग हैं कि जिनको व्हीलचेयर की जरूरत होती है उनको फ्री में व्हीलचेयर प्रोवाइड कराना इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप लोग गानिम की हिम्मत और हौसले का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बॉडी के नीचे का आधा पार्ट न होने के बावजूद भी गानिम का जो फेवरेट खेल है वो दरअसल फुटबॉल है। वो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही हाथों में दस्ताने पहनकर हाथों की मदद से ही फुटबॉल खेला करता था। गोताखोरी में भी गानिम का कोई जवाब नहीं है। गानिम समुंदर की गहराई में लगभग 200 मीटर तक गोता लगा सकता है। इसके अलावा सन 2017 में गानिम ने मक्का जाकर बगैर चेयर के यानी हाथों के बल उमरा भी किया था। हैरानी की बात यह है कि गानिम गल्फ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है कि जिसको जबल शम्स के नाम से जाना जाता है उस पर भी चढ़ चुका है और अब गानिम का ये सपना है कि वो एक न एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़कर दिखाएगा। दोस्तों, आज गानिम के इंस्टाग्राम पर लगभग 3.6 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी इनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यही वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से गानिम न सिर्फ कतर बल्कि पूरी ही दुनिया के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हर इंसान ये सोचता है कि जब गानिम जैसा इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो आखिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से ही कतर हुकूमत ने भी गानिम अलमिफ्ता को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा दिया और पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।